हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप है अभिषेक के साथ। आई होप आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लैनेट टैंक के बारे में बताया था, सो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होगी हमारी प्लैनेट फिश के बारे में, कि कौन से फिश हमारे प्लैनेट टैंक के लिए सबसे सूटेबल होती है जो हमारे टैंक को और अच्छी लुक दे। सो आज की सीरीज में जिस फिश को हम कवर करेंगे वो हमारी होगी ज़ेब्रा डीनो फिश। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ेब्रा फिश को हम स्ट्राइप फिश के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम ज़ेब्रा फिश इसीलिए पड़ा, जैसे हमारे पास ज़ेब्रा पे स्ट्राइप्स होती है उसके डिफरेंट वाइट कलर की, सो इसी तरीके से इन फिशेस पे भी इनके पास एक सिंगल सी लाइन होती है जो एक अपीयरेंस देती है, जिसकी वजह से इसका नाम ज़ेब्रा फिश पड़ा। ये एक्वेरियम हॉबी में सबसे ज़्यादा कॉमन फिश है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये हार्डी फिश है और इसके अलावा ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ज़ेब्रा फिश बहुत ही पीसफुल लविंग फिश है, मतलब कि अभी किसी भी फिश के साथ डाल सकते हो तो उनके साथ आराम से कम्युनिटी बना के रह सकती है। बट मेक श्योर वो सारे फिशेस एक ही फैमिली के हो। जैसे कि आप ज़ेब्रा फिश को टेट्रा फिश के साथ रख सकते हो, बट अगर आप ज़ेब्रा फिश को गोल्ड फिश फिशेज के साथ रखोगे तो हो सकता है कि उनको निप करे। इसके अलावा ज़ेब्रा फिश एक दूसरे के साथ भी काफ़ी अग्रेसिव नेचर बिहेव करते हैं, वो उनका प्लेइंग नेचर होता है। पीसफुल नेचर के अलावा ज़ेब्रा फिश का दूसरा नेचर होता है वो स्कूलिंग फिश का होता है। स्कूलिंग फिश से मेरा मतलब कि ये फिशेज़ को ग्रुप में रहना पसंद है। सो आई रिकमेंड अगर आप अपने प्लांटेड टैंक के लिए फिर नॉर्मल टैंक के लिए भी ज़ेब्रा फिश रखने का सोच रहे हैं, सो आई रिकमेंड एटलीस्ट आप 10 से 15 फिश तो रखिए। मेरे पहले इस टैंक में बहुत सारी फिश थी, किसी वजह से मैं इस टैंक पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो इस टैंक में जितनी भी फिशेस थी वो मेरी सारी मर गई और एट लास्ट मेरे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही ज़ेब्रा डीनो फिश बची। सो आई रिकमेंड अगर आप ज़ेब्रा फिश रखने का सोच रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे फिश जो स्कूलिंग में रहती है, रिकमेंड एटलीस्ट उसे 10 से 12 के नंबर में ही रखिए। इसके अलावा ये फास्ट स्विमर होते हैं, ये बहुत ही तेज़ इनकी एक्टिविटी होती है, बहुत ही तेज़ आपके टैंक में स्विम करते हैं। अगर आप इनके साथ किसी भी उस फिश को ऐड करो जो बहुत स्लो स्विम करती तो हो सकता है उन फिशेस को अटैक करें। सो आई रिकमेंड आप इनके साथ सिर्फ उन्हीं फिश को डालें जो बहुत ही फास्ट स्विमर हो। इसके साइज़ छोटे होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा प्लांटेड टैंक में यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी है। अगर मैं आपसे इसके कलर वेरिएशन की बात करूँ तो इसके इतने सारे डिफरेंट कलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनकी रेंज की बात करूँ तो ये नेचुरल सिल्वर से लेके येलो, ब्लू, ग्रीन, अल्बाइनो, रेड, ब्राउन, इवन ग्लोइंग आपकी ज़ेब्रा डीनो भी आते हैं। सो इनकी कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। कलर वैरायटी के अलावा अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें नेचर में और टैंक में, इनकी लाइफ स्पैन टैंक्स में अराउंड 2.5 से 3 ईयर्स तक होती है। अगर आप इनकी अच्छी केयर करते हो तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3.5 से 4 ईयर तक आराम से चलती है। अगर हम वही इनकी डाइट की बात करें तो ज़ेब्रा डीनो फिश हमारी ओमनीवोरस होती है। ये हर्बीवोर कार्निवोर दोनों ही होती है। ये पैलेट से भी सर्वाइव कर सकते हो, अगर आप छोटे छोटे चिकन के पीसेस देंगे या फिर कोई छोटे डेड फिश देंगे तो उन्हें भी खा जाएंगे। इनके टैंक साइज़ की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मिनिमम इनका एक टैंक साइज़ आपका 1 फीट का होना चाहिए और मैक्सिमम 3 फीट का। अगर आप इनके अलावा 3 फीट से ऊपर तक भी किसी टैंक में रखोगे तो इशू नहीं होगा। केयर लेवल बहुत ईजी है इनका। हार्ड फिश है, मतलब इन्हें ऐसा किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच या टेरियस लेवल की नीड नहीं होती। ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेबल होते हैं कि अगर आपको ज़्यादा गर्म पानी दोगे उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे, ज़्यादा ठंडा पानी दोगे उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे। इसीलिए आपका बिगनर के लिए सबसे ईजी फिश है। अगर इनके मेट्स की बात करें तो मेट्स में टेट्रा फिश, गप्पे फिश, कोरे फिश, ऑटो सिंकुलर श्रिम्प, स्नेल्स, इन सभी के साथ आप रख सकते हो। डिफरेंट ज़ेब्रा फिशेस का इनके डिफरेंट नेचर होता है। कुछ फिशेस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जो दूसरों को अटैक करती है और कुछ फिशेस नहीं। तो अगर आपने इनके साथ कम्युनिटी टैंक बना रखा है और उस टैंक में अपने बेटा फिश डाले हुए तो हो सकता है आपका ज़ेब्रा डीनो फिश बेटा फिश के फिन को निप करे। अगर आप चाहते हो कि इनके साथ बेटा फिश रखे जैसे मैंने रखी थी, तो आप अपने प्लांटेड टैंक के अंदर बेटा फिश प्लस ज़ेब्रा डीनो रख सकते। प्लांटेड टैंक में बेटा फिश को छुपने की बहुत सारी जगह मिल जाती है, ऑल्दो बेटा फिश भी काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्रेसिव इन नेचर की होती है। तो हो सकता है कि बेटा फिश उल्टा अटैक कर दे, आपके ज़ेब्रा डीनो को खा जाए। ये ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में दिखा रखा है कि मेरी बेटा फिश ने एक पूरी ज़ेब्रा डीनो को खा चुकी थी। फूड के लिए इनकी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो आप इनको देना चाहो, जिस भी तरीके के पैलेट्स आप इनको देना चाहो आप दे सकते हो। बट आई रिकमेंड फिशेज़ के कलर्स के लिए उनका फूड अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप उनको फूड दोगे उतने ही अच्छे उनके कलर्स आएंगे। तो यहाँ पर इनके फूड्स के जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा ऑप्टिमम एंड हिकारी का बेटा फिश का फूड, कि ज़ेब्रा डीनो के लिए ऐसा कुछ फूड नहीं आता। उनके लिए एक माइक्रो पैलेट्स आते हैं, बहुत ही माइक्रो, जो क्या करते हैं पानी गंदा करते हैं।
सो इसके अगेंस्ट मैं इनके लिए क्या यूज़ करती हूँ, मैं उनका बैटा फिश हिकारी का ही बैटा फिश यूज़ करता हूँ जो बहुत ही अच्छा मेरे को रिजल्ट देता है। उनके कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इन सभी के अलावा अगर उनके प्राइस की बात करें तो ये प्राइस डिफरेंट डिफरेंट एरियो में वेरी कर सकते हैं। सो मेरे एरिया में जो प्राइस है आप 30 से 40 रुपीज़ पर पेयर में ले सकते हैं। ये प्राइस आपके एरिया के हिसाब से वेरी कर सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप उससे बार्गेन करके आप ले सकते हैं। सो ऑल अबाउट सीरीज़ में ही मैं यहाँ पर एक नया सीरीज़ ऐड कर रहा हूँ, वो होगी हमारी प्लांटेड टैंक में फिशेस, कि कौन कौन सी ऐसी फिशेज़ है जो आपकी प्लांटेड टैंक में वर्क कर सकती है। सो आने वाले टाइम में इसके अंदर हम और फिशेज के बारे में जानेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।